师傅。अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, मॉर्निंग की शुरुआत होती है हमारी यहाँ नाश्ते से। तो ये रात की रोटी बची हुई थी जो मैं सब जाया नहीं करती, जो है मैं नाश्ते में तल लेती हूँ उसे, और मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता। तो बस यहाँ मेरे बच्चों की जंग तो चलती रहती है। सुने इतना क्यूटली मम्मा बोल रही थी, बस फिर उसके बाद जो है ये हमारा रोज़ का ऑमलेट, जिसके बगैर हमारा बिल्कुल नाश्ता इनकम्प्लीट है। और ये एक दफ़ा आप ज़रूर नाश्ते में बना के खाएं, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। पहले मैं जो है खाती थी ये वाला, लेकिन इसमें अनियन की जगह सिर्फ मैं कोरिएंडर यूज़ करती थी। ये पे हमारा ऑमलेट तैयार हो गया। मैं दो ऑमलेट एक ही जगह बना लेती हूँ, फिर बीच में हाफ में से कट कर लेती हूँ। वाजिद का पोर्शन थोड़ा कम लेती हूँ बिकॉज़ वो अकेले खाते हैं और हम तीन बंदे एक जगह खाते हैं। कहीं आप बोले शोहर के साथ ना इंसाफी। बस जी, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। अच्छा भाई, मैं जो है ना छन्नी बहुत कम यूज़ करती हूँ चाय डालते वक्त। मुझे चाय ना नज़र ही नहीं आती फिर कितनी गई है इसमें कितनी नहीं। देखिए, मैंने यहाँ यूज़ तो करी, फिर मुझे नहीं समझ आ रहा था तो फिर मैंने हटा दी। बहुत लोग छन्नी डाले ना, फिर एक हाथ में असल में कैमरा था ना, वरना मैं चेक करती रहती, तो इस वजह से फिर मैंने छन्नी हटा के जो है ना चाय डाली। ऑफकोर्स आपको अब पता चल ही गया होगा ये तीन कप किस किस के होते हैं। तो आज मैंने नाश्ते में मैंगो शेक लिया था, और क्योंकि मैंगो शेक पराठे से इतना यम्मी लगता है, हम लोग शादी से पहले बहुत खाते थे, तो आज मैंने क्लास भर के खाया इससे। पानी ले आइएगा, आओ बैठो। कहाँ पे करना है? अच्छा जी, फिर दाद को दूसरे रूम में ब्रेकफास्ट करना था तो हम यहाँ आ गए। और कौन कौन ऐसे खाता है डुबो डुबो के? मैं तो ऐसे ही खाती हूँ चाय में, जैसे चाय में खाते हैं ना। तो भाई अच्छा, इसके बाद जो है ना, मैंने एक रात पहले अपनी, मैंने बताया आपको हमारी काओ आ गई है। यस, काफ़ी टाइम हो गया है वे, तो मैंने कुछ चीज़ उसके सीन शूट करके रखे हुए थे, तो इसके बाद मैं वो लगाऊँगी, आप वो देखिएगा जाके। तो देखिएगा, बहुत प्यारी काओ है। यस, तो यही है हमारी काओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। तो हर तीन सालों से हम अपनी पूरी हुई काओ खुद ही लेकर आते हैं, वरना हम पहले हिस्सा डालते थे, दो हिस्से डालते थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 3 सालों से हम अपनी काओ लेकर आ रहे हैं। इसमें ये जो है एक हिस्सा मेरे भाई का भी है, उनके दोस्त का भी है, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतनी शरीफ सीधी काओ है ना, वरना पिछली दो काओ इतनी तेज़ थी, हाथ भी नहीं लगाने देती थी, और ये कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती। बहुत ही प्यारी काओ है, बहुत ही ज़्यादा। यार मारे ना बस। ऐसे 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 ये देखिए, ये देखिए ऐसे। काऊ की काय कुर्सी करती, देखो काऊ
क्या खा रही है? कहो क्या खा रही है? हाथ लगाओ दाऊद, हाथ लगाओ, लगा लो। दाऊद को कहो पसंद तो बहुत है, शौक बहुत है, लेकिन डरता भी फिर उतना ही है। ऐसा हाथ लगाएगा, ऐसा लगाओ। ये देखो कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये ईसा है, महरोज भाई का बेटा। महरोज भाई मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड और मेरे बिल्कुल भाई हैं। तो ये उनका बेटा है, हमारे बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह हैं ये लोग। अभी आप आगे महरोज भाई को भी देखेंगे। तुम लगाओ। नहीं 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 गिरेगा। तंग कर रहे थे ना, छोड़ दिया उसने खाना। जी तो यही है महरोज भाई, बिल्कुल हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है इनकी पूरी फैमिली। अलाया लाया काओ, लाया काओ, काओ, काओ। नहीं नहीं ये सही, ये आलू भी तो सही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये और यहाँ बन रहा है काओ का खाना। तो रोज़ महरोज भाई बनाते हैं रात का खाना। हमारी काओ को भाई इन्हीं के हाथ का खाना पसंद है और इनके हाथ से बहुत शौक से खाती है। सुबह में जो है राजीत खिलाते हैं मेरे हस्बैंड। और ये देखो यहाँ हमारी पूरी फैमिली बैठी, और ये ब्लैक ड्रेस में से माँ भाभी है महरोज भाई की वाइफ, और ये हमारे घर की बच्चा पार्टी। इतनी रौनक लग जाती है जब रात में काओ आती है। तो लगा मिकाई लगाएगा, मुझे भी किससे? आग से। मिकाई लगाओ ना, मिकाई प्लीज, मिकाई प्लीज हाथ लगा। इसको इसके ऊपर बिठाओ, इसके ऊपर बिठाओ इसको। नेमल कहाँ गई? नेमल, नेमल, नेमल आओ, काओ को हाथ लगाएंगे। कुछ नहीं होता वो ना, कुछ नहीं होता। आ जाओ, आ मेरा बच्चा, प्लीज थोड़ा जा। अरे भैया गई थे वहाँ पे, लाओ ना वहाँ पे। दाऊद हाथ लगा ले। बस जी यही था आज का छोटा सा व्लॉग। और ये वीडियो कब से आप लोगों को दिखाने के लिए रखी थी, तो मैंने सोचा आज डाल ही दूँ। तो ये हमारी काओ है, बस अल्लाह सबकी कुर्बानी को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। तो दुआ में याद रखिएगा, जब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।